हेलो एवरीवन। और आज हम देखेंगे यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन नॉवल जो है, ए फ्रिंज ऑफ लीव्स, पैट्रिक वाइट के द्वारा। इस नॉवल में जो मेन प्रोटागनिस्ट है वो है एलेन रॉसबर्ग। यहाँ पे इस पूरे नॉवल में एलेंस की जर्नी को दिखाया गया है। एलेंस की जर्नी जो डिफरेंट फेजेस से होके गुजरते हैं, उसमें से है सेल्फ रियलाइजेशन, सफरिंग, कंपैशन एंड लव। जो इस पूरे नॉवल का जो सेटिंग है वो सेटिंग ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है, जो 1940s के ड्यूरेशन में रखा गया। स्टोरी जो है वो स्टार्ट होता है एलेन रोसबर्ग और ऑस्टिन के मैरिज से। ऑस्टिन जो है वो एलेन रोसबर्ग से 20 ईयर्स एज में बड़े हैं। यहाँ पे ये सब जो सारे हैं वो कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे एलेन रोसबर्ग हैं, ऑस्टिन जो है वो हस्बैंड हैं। यहाँ पे ऑस्टिन के जो भाई हैं गार्नेट रोसबर्ग, तो एलेन के क्या हो गए, ब्रदर इन लॉ, जो कहाँ रहते हैं, वैन डिमेंस लैंड डलसेट। ये जो ऑस्ट्रेलिया जो रखा गया है सेटिंग, ये एक्चुअली एलेन रोसबर्ग और ऑस्टिन जो है वो गार्नेट रोसबर्ग से मिलने के लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे फिर जो कहानी जो स्टार्ट होता है वो इस तरह से है कि एलेन रोसबर्ग और ऑस्टिन जो है वो जाते हैं मिलने के लिए अपने भाई से। वहां पे एलेन रोसबर्ग और गार्नेट के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से यहाँ पे रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ये रॉन्ग रिलेशनशिप में है। ये जो रिलेशनशिप है ये एलेन रोसबर्ग और गार्नेट के बीच में इसलिए एस्टेब्लिश हुआ क्योंकि एलेन रोसबर्ग और ऑस्टिन के बीच में जो एज गैप है 20 ईयर्स का, और शादी के बाद जो ऑस्टिन है वो जो है काफी सिक रहने लगे। खैर, एलेन रोसबर्ग जो है वो गार्नेट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो उनके साथ एक फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश कर ली। जैसे ही एलेन रोसबर्ग को ये रियलाइज हुआ कि ये जो इनका रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है, वो तुरंत जो है ऑस्टिन को ये रिक्वेस्ट की कि हम लोग यहाँ से चलेंगे। ऑस्टिन और एलेन रोसबर्ग ब्रिस्टल मेड, ये जो शिप है, इस शिप के थ्रू वो लोग लंदन के लिए जाने लगे। बीच में उनका जो शिप है ये क्या हो गया, एक खाई में वहाँ पे जो होता है समुद्र के बीच में कहीं पे वो फंस गया और वो जो शिप है वो टूट गया। उस शिप से कैप्टन टूडियो पूडो और ऑस्टिन रॉसबर्ग ये दोनों और साथ में और भी क्रू मेंबर जो है वो लैंड की खोज में कि कहाँ आसपास जो नियरेस्ट लैंड है उस लैंड की खोज में जाने लगे। जैसे ही वहां पे वो लैंड पे पहुंचते हैं, वहां के जो एब्रोजिन्स होते हैं, मतलब वहां के जो निवासी होते हैं, जो एक्चुअली यहाँ पे बताया गया है सैवेज, उस तरह के वहां पे जो लोग मिले थे वो कैसे थे, सैवेज, ठीक है, जंगली लोग थे। और वो जैसे ही कैप्टन पुर्ड्यू और ऑस्टिन रोसबर्ग को देखे तो ये दोनों को मार दिए। एक्चुअली वो मारने गए थे कैप्टन पुर्डो को, तो इनको बचाने के चक्कर में ऑस्टिन रोसबर्ग को भी वो लोग मार दिए। अब यहाँ पे जो है एलेन रोसबर्ग वो ओनली सर्वाइवल बची ये जो शिपरेक हुआ उसके बाद। यहाँ पे एलेन रोसबर्ग जो है, ठीक है, यहाँ पे जब वो अकेली रहती हैं, वो भी किसी तरह लैंड पे पहुंचती है, और एलेन रोसबर्ग को क्या किया जाता है, वहां के जो एब्रोजिन्स हैं, जो औरतें हैं वो भी सैवेज हैं, उनको घेर लेती हैं। सबसे पहले वो जो उनपे हमला
हंसी मजाक उनका खिल्ली उड़ाती है, मजाक करती है, उसके कपड़े फाड़ देते हैं एलन रोजबर्ग के, और क्या करते हैं, और एलन रोजबर्ग को वो लोग ए फ्रिंज ऑफ लीव्स, जैसे पत्तों का बना हुआ जो कपड़ा जो पुराने जमाने में आदमी लोग पहनते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए, तो वैसे ही कुछ पत्तों का वो बना करके झालर वो एलन रोजबर्ग को पहना देते हैं। तो यहां से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जो ये टाइटल पड़ा ए फ्रिंज ऑफ लिप्स वो कहां से आया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट। अब एलन रोजबर्ग को यहां पे एक आदमी मिलता है जैक चांस। ये एलन रोजबर्ग का बोला जाता है रिस्क्यूअर, मतलब उसको रिस्क्यू करता है उस एब्रोजिन लैंड से बाहर निकलने में, रिस्क्यू लवर इसको बोला गया। यहां पे एलन रोजबर्ग जो है वो जैक चांस के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाती है, क्योंकि अब जो एलन रोजबर्ग है वो अब सिंगल हो चुकी है। ठीक है, और क्योंकि वहां पे उस जंगल में और कोई भी नहीं था जैक चांस के अलावा, और जैक चांस ही जो है वो एलन रोजबर्ग को वो प्रॉब्लम से वहां से निकालता है और उनको कहां पहुंचा देता है। अब यहां पे आप लोग देखेंगे कि यहां पे एलन रोजबर्ग है और यहां पे एलन ग्लुयास मैंने लिखा है। तो एलन ग्लुयास जो है ये शादी के पहले का टाइटल है, और ये जो रोजबर्ग है वो शादी के बाद का टाइटल है। ठीक है, तो क्योंकि अब उसके हस्बैंड नहीं रहे तो इसीलिए यहां पे नॉवल में एलन ग्लुयास यूज किया गया है, मिस्टर और मिसेस ओकीज। तो ये जो मिस्टर और मिसेस ओकीज ये कौन है, तो वो जो जंगल में जब सिप्रेक हुआ वो जंगल में चली गई, वहां पे एब्रोजिन्स मिले और वहां पे जैक चांस के द्वारा उसको रिस्क्यू किया गया, इसीलिए यहाँ पे इसको रिस्क्यूअर लवर भी बोला गया है, रिस्क्यू किया गया, और उनके द्वारा वो कहाँ फिर चली गई, मिस्टर और मिसेस ओकीज के बाद, मतलब एक एब्रोजिन सोसाइटी से, एक जंगल का सोसाइटी से निकल के वो वापस चली गई सिविल सोसाइटी में। ठीक है, मिस्टर और मिसेस ओकीज यहाँ पे वो धीरे धीरे वो रिकवर होने लगी। अब जो है आगे हम लोग चलते हैं। अब एक कैप्टन लवेल है, कैप्टन लवेल मिलते हैं एलन ग्लुयास से और उनको बताते हैं कि मिस्टर पिल्चर जो है एक और आदमी है जो उस सिप्रेक से बचे हैं, मतलब अब एलन रोजबर्ग सोचती थी कि वो अकेले बची है, लेकिन नहीं, एलन रोजबर्ग के साथ मिस्टर पिल्चर जो है ये भी उस सिप्रेक से बचे हैं। अब यहाँ पे जब वो मिस्टर और मिसेस ओकीज के साथ रह रही हैं, तो मिसेस स्क्रीनशॉ ये जो फ्रेंड ऑफ ऑस्टिन रोजबर्ग है, ठीक है, उनके ये फ्रेंड है मिस्टर स्क्रीनशॉ, ये एलेन का कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि एलेन अब अकेली हो गई है, ठीक है, तो वो उनको मिलाती है, इनके बारे में बताती है मिस्टर जॉर्ज जेवॉन्स। मिस्टर जॉर्ज जेवॉन्स के बारे में बताती है, बोलती है बहुत रिच है, और ये चाहती है मिसेस स्क्रीमशॉ कि एलन रोजबर्ग और मिस्टर जॉर्ज जेवॉन्स दोनों एक साथ हो जाएं, मतलब एक दूसरे से शादी कर लें। और वो जो है एलन रोजबर्ग वो भी अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहती है और उसके लिए वो एग्री कर जाती है। अब क्या है कि एलन रोजबर्ग और मिस्टर जॉर्ज जेवॉन्स ये दोनों एक साथ कहाँ चले जाते हैं, सिडनी चले जाते हैं और वहां पे वो लोग सेटल होते हैं। एक्चुअली ये मिसेस स्क्रीनशॉ चाहती है कि ये जॉर्ज जेवॉन्स का जो स्कैटर्ड लाइफ है वो सेटल हो जाए, ये इनके बारे में सोच रही थी, ना कि एलन रोजबर्ग के बारे में सोच रही थी। अब जो है यहाँ पे ये तो एक बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, स्टोरी का जो प्लॉट है ये प्लॉट हो गया, लेकिन इस स्टोरी के पीछे बहुत कुछ स्टोरी जो छिपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे
जो यहाँ पे जैसा हमने शुरू में देखा था, सेल्फ रियलाइजेशन है, सफरिंग है, कंपैशन है, लव है, एलेंस का जर्नी। यहाँ पे एलेन रोजबर्ग को मेटाफर के जैसा यूज किया गया है। अब मेटाफर यूज किया गया है, मेटाफर आप अच्छे से समझ रहे होंगे, लिटरेरी टर्म है। तो एलेन रोजबर्ग को एज ए मेटाफर क्यों यूज किया गया है, इसको समझने के लिए पहले हमें एलेन रोजबर्ग के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा, वो कैसे हैं, क्या है। तो एलेन रोजबर्ग जो है वो अनएडुकेटेड है, ठीक है, और वो एक बहुत ही पुअर फैमिली या एक लो क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती है। शादी के पहले ऑस्टिन की जो मदर है वो जो है एलेन रोसबर्ग को कन्विंस करती है इनसे शादी करने के लिए। लेकिन शादी से पहले एलेन रोसबर्ग जो है, जब वो छोटी थी उसी समय एलेन रोसबर्ग की जो माँ है वो मर जाती है। तो एलेन जो है वो अपने फादर के साथ अकेले रहती है। अब उनके फादर जो है वो अल्कोहलिक हो जाते हैं और वो एलेन रोसबर्ग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। एलेन रोसबर्ग, ठीक, एलेन रोसबर्ग क्या करती है वहां पे, वो फार्म में जो भी एक मैन के जैसा, जो मैन एक काम करता है उसके लिए उनके जो फादर हैं वो एलेन को वहां पे वो सारा काम करवाते हैं, ठीक है। अब जब इनकी जब शादी हो जाती है तो ऑस्टिन के साथ जैसे ही शादी होती है, ऑस्टिन और एलेन रोजबर्ग के बीच में एज गैप है अराउंड 20 इयर्स का। एलेन रोजबर्ग, अब जैसे ही शादी होता है ऑस्टिन जो है वो भी बीमार रहने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये एलेन का एक जो कैरेक्टर है, स्ट्रांग कैरेक्टर, क्योंकि वो दिखने में भी स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, ठीक है ऑस्टिन, तो ये यहाँ वहां पे भी जब शादी के पहले अनमैरिड है वहां पे भी अपने फादर का वो ख्याल रख रही है, सब कुछ कर रही, रिस्पॉन्सिबल हो रही है। शादी के बाद भी उनका जो कंडीशन है वो यही। यहाँ पे जो ये थीम रखा गया है लव, तो ये जो लव का जो थीम है वो यहाँ पे इसी चीज को करता है कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ये चीज का कमी, लव का कमी रह गया है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, एलेन रोसबर्ग पहले अनएडुकेटेड होती है, तो जब इनकी शादी होती है तो जैसे वो एक सेंटेंस यूज करती है, दे वास देयर दिस मॉर्निंग। तो ये जो लाइन है दे के साथ वास आता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं वो रॉन्ग इंग्लिश यूज करती है। तो फिर उनको जो है ये जो ऑस्टिन है ये सुधारते हैं, दे वेयर व दे, ऐसा करके ये ऑस्टिन उस चीज को करेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो एलेन रोसबर्ग की जो मदर इन लॉ है, जिसको यहाँ पे नॉवल में ओल्ड रोसबर्ग बोला गया है, ओल्ड मिसेस रोसबर्ग, कहाँ लिखते हैं, ओल्ड मिसेस रोसबर्ग, ठीक है। ये क्या करती है, ये बोलती है एलेन रोसबर्ग को कि मैं जहां तक मुझे आता है वहां तक मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये अब एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये जो मेटाफर यूज हुआ है, तो मेटाफर एलेन रोसबर्ग को किस रेफरेंस में यूज किया गया है, तो इन द रेफरेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैसे कि एलेन, अब यहाँ पे कैसे कंपेयर हो रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि एलेन रोसबर्ग शुरू में एक लोअर सोसाइटी से बिलोंग करती हैं और क्योंकि ये बहुत रिच फैमिली में शादी होती है तो फिर ये लोअर से हायर सोसाइटी में चली जाती हैं। यहाँ पे उनको एडुकेट किया जाता है, यहाँ पे उनको उस तरह से कल्चर में ढाला जाता है सोसाइटी के अनुसार, ठीक है। तो एक मतलब बोल सकते हैं कि लो क्लास से हाई क्लास में आ गई। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक तरफ जैसे सिपरेक हुआ, तो सिपरेक के बाद वहां पे देख रहे हैं कि जो
लैंड पे गए, वहां पे एब्रोजिन्स मिले जो सैवेज हैं, कैनिबल्स मतलब जो ह्यूमन फ्लेश को खाते हैं, वैसे लोग भी वहां पे मौजूद हैं। और ऑस्ट्रेलिया के एक और पार्ट है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट और पार्ट है जहाँ पे सोशल लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एलन रॉसबर्ग को एज ए मेटाफर यूज किया गया। अब यहाँ पे जो एलन रॉसबर्ग का जो जर्नी जा रहा है लाइफ का, ठीक है, अभी तक तो यहाँ तक ऑस्टिन रॉसबर्ग तक तो उनका जो लाइफ है मिजरेबल ही रहा है, लैक ऑफ लव। और यहाँ पे जो एक गार्नेट रॉसबर्ग के साथ जो एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था, तो गार्नेट रॉसबर्ग जो है वो मतलब काफी फिल्दी मैनर में गंदे ढंग से एलन रॉसबर्ग के साथ रिलेशनशिप में था। एलन रॉसबर्ग उसे प्यार नहीं करती थी, बस एक तरह का बस फिजिकल अट्रैक्शन था, जो क्योंकि ऑस्टिन के साथ वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ये जैक चांस है, इसके साथ जो एलन का जो एक रिलेशनशिप फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो एस्टेब्लिश हुआ, इसमें एलन रॉसबर्ग जैक चांस के साथ प्यार में आ गई। क्लियरली नॉवल में मेंशन है कि एलन रॉसबर्ग फॉल इन लव विद जैक चांस, बट क्योंकि ये रिस्क्यूअर था, तो जैसे ही वो उसको एक सिविल सोसाइटी में पहुंचाया, वो बोला कि ये जो जंगल है, दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू, ऐसा जैक चांस ने एलन रॉसबर्ग को कहा। और उसे एक सिविल सोसाइटी जो मिस्टर और मिसेस ओक्स हैं उनके यहाँ उनके हवाले कर दिया गया। अब हम अगर एक फ्रिंज ऑफ लीव्स के अगर हम थीम्स के बारे में आ जाएं, तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, यहाँ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डिनोट किया गया है एलन रॉसबर्ग को। एलन रॉसबर्ग को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इसीलिए यहाँ पे डिनोट किया गया क्योंकि अगर हम सिंस चाइल्डहुड देखें, तो चाइल्डहुड में भी उनकी मदर जो है एक्सपायर कर गई बहुत जल्दी, और वो घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत अर्ली एज से ही स्टार्ट कर दी। शादी के बाद आफ्टर मैरिज भी उनका वही हाल होता है कि वो ऑस्टिन का देखभाल करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऑस्टिन को मर्डर कर दिया, किल कर दिया जाता है वहां के एब्रोजिन्स के द्वारा, तो वो सोचती है, उनको गिल्ट फील होने लगता है कि क्यों वो जो है उनके भाई के साथ गार्नेट रॉसबर्ग के साथ रिलेशनशिप स्टेब्लिश की। तो एक जो गिल्ट है यहाँ पे वो किसके किसके साथ रिलेशनशिप में, गार्नेट रॉसबर्ग के साथ रिलेशनशिप को गिल्ट फील करती है। लेकिन अब आइसोलेशन, आइसोलेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे और भी थीम्स है, फ्रीडम है, आइसोलेशन है, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन, आइसोलेशन कहने का मतलब है आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी। अब क्योंकि एलेन रॉसबर्ग एक लोअर क्लास से बिलोंग करती थी, तो वहां पे लोअर क्लास सोसाइटी का जो अपना रूल रेगुलेशन है वो है। अब जबकि उनकी शादी हो गई है ऑस्टिन रॉसबर्ग से, तो एक हायर क्लास सोसाइटी में चली गई, तो हर जगह एक सोशल बॉन्डेज के बीच में वो फंसी रही, ठीक है। वो अपने आप को एज ए प्रिजनर के जैसा यहाँ पे उनको ट्रीट किया गया है कि वो किस तरह से हैं, तो एज ए प्रिजनर है यहाँ पे वो। आइसोलेशन होता है मतलब वो अकेलापन, यहाँ पे वो सेल्फ रियलाइजेशन, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये भी उनको कहाँ होता है, जब वो जंगल में अकेले पड़ जाती है अमंग द एब्रोजिन्स, और जब उनको जैक चांस के द्वारा वहां से रेस्क्यू किया जाता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे जब वो सिपरेक के बाद जब जंगल में आती हैं, फंसती हैं, तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो ज्यादा फ्री फील कर रही हैं। फ्री इसीलिए फील कर रही हैं कि यहाँ पे ऑस्टिन के पास भी उनको बहुत सारा बॉन्डेज था, हर तरह का रिस्ट्रिक्शन था, बिफोर मैरिज फादर के द्वारा रिस्ट्रिक्शन था। अब चूंकि वो यहाँ पे अकेले रह गई हैं, इसीलिए एलन लुयास यहाँ पे बोला गया है, तो अकेले रह गई हैं, तो जिस वजह से उनको क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, वो ज्यादा फ्री फील कर रही हैं, इंडिपेंडेंट फील कर रही हैं। अब
एट द एंड ऑफ द नॉवल क्या है कि एंड ऑफ द नॉवल में क्या है कि एलेन ग्लुयास और मिस्टर जॉर्ज जेवॉन्स ये दोनों इकट्ठा सिडनी में सेटल हो गए हैं, जहां पे मिस्टर जॉर्ज जेवॉन्स एक बहुत ही रिच मर्चेंट है। लेकिन इनका भी जो बिहेवियर यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जाता है कि शेर के खाल में भेड़िया जो इनके लिए यूज किया गया है, ठीक है, मिस्टर जॉर्ज जेवॉन्स, मतलब कहने का मतलब है ये भी अब जो रिलेशनशिप है एलेन रॉसबर्ग और जॉर्ज जेवॉन्स का वो भी बहुत अच्छा नहीं है। मतलब जॉर्ज जेवॉन्स को जिस तरह से रिप्रेजेंट मिस्टर स्क्रीमशॉ ने किया था एलेन से, उस तरह का पर्सनालिटी ये नहीं निकले। तो थोड़ा सा मिजरेबल है, सफरिंग है, कंपैशन कहने का मतलब है थोड़ा सा यहाँ पे दया वगैरह टाइप का चीजें और लव। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।